नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर, पदोन्नति में आरक्षण का मामला 5 अक्टूबर से अंतिम सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। हर राज्य के आने अपने अनूठे मुद्दे हैं, ऐसा उन्होंने जिक्र किया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह जिक्र किया गया। राज्यवार मामलों की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए हैं ये निर्देश। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से। पदोन्नति में आरक्षण का मामला, जी हां, पदोन्नति में आरक्षण का मामला 5 अक्टूबर से अंतिम सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। हर राज्य के अपने अनूठे मुद्दे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर राज्य के अपने अनूठे मुद्दे हैं, राज्यवार मामलों की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए हैं निर्देश। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, पदोन्नति में आरक्षण का मामला। और ऐसे में आपको यह भी जानकारी दे कि 5 अक्टूबर से अंतिम सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। हर राज्य के अपने अनूठे मुद्दे हैं, ऐसा भी यहां जिक्र किया गया है। राज्यवार मामलों की सुनवाई करेंगे, ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए हैं निर्देश। हमारे साथ डेप्यूटी एडिटर आशीष सिन्हा जुड़े हुए हैं। आशीष सिन्हा जी, ये पदोन्नति में आरक्षण का मामला जो है अब सामने आ रहा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बार बार जिक्र किया जा रहा है कि हम अंतिम सुनवाई जो है वो बाद में करेंगे। इसके अलावा हर राज्य के अनूठे मुद्दे हैं, इसका क्या तात्पर्य जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए, जैसे हर राज्य में अलग अलग वर्गों को ओबीसी के अंदर पदोन्नति में आरक्षण मिलता है या फिर दूसरी कैटेगरी में आरक्षण मिलता है, उसी की बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट कर रहा था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण को लेकर एक जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के 7 जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स गवर्नमेंट जो है वो बार बार ये कह रही है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट फिर पदोन्नति में आरक्षण मामले की सुनवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में सभी राज्य सरकारों को कहा है कि उनके यहाँ जो मामले हैं और जो हाईकोर्ट के आदेश हैं उनकी एक कॉपी जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करिए और 5 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतिम सुनवाई शुरू करेगा। और आने वाले वक्त में ऐसा क्या जिक्र किया जा रहा है जिससे कहीं ना कहीं ये समझ में आए कि जो भी तमाम फैसले सामने आएंगे कहीं ना कहीं वो जनहित में होंगे? देखिए, ये लंबी सुनवाई चलेगी क्योंकि ये अब या तो ये 11 जजेस बेंच या 13 जजेस जो बेंच होगी वो इस मामले की सुनवाई करेगी, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी वो 9 जजेस की बेंच थी जो 1996 में फैसला आया था। तो एक लंबी सुनवाई चलेगी और इसमें बहुत सारी स्टेट्स गवर्नमेंट को अपना पक्ष रखना पड़ेगा क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो 50% का जो कैप है कि 50% से ज्यादा आप आरक्षण नहीं दे सकते किसी भी राज्य में, तो क्या उस कैप को हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, ये भी सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रहेगा। तो फैसला जो भी हो आने वाले समय में उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए आशीष जी। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।